Movies are back at the cinemas near you, and if you're like me who cannot go to watch a movie because it's COVID out there, not to worry, मैं हूँ ना. सो मैं अभी नहीं जा सकता मूवीज देखने के लिए आउटसाइड, बट OTT प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में अभी भी और उस पर अच्छी मूवीज रिलीज हो रही हैं. तो आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द OTT मूवीज सीरीज जितना भी वक्त मिलेगा मुझे करने का. एंड देयर इज अ न्यू सीरीज दैट आई एम कमिंग अप विथ. आई एम जस्ट कॉलिंग दैट आउट राइट नाउ सो दैट आई हैव द प्रेशर एंड द विल एंड द मोटिवेशन टू गो अहेड एंड मेक दैट सीरीज. सो दैट इज देयर. Let's talk about the amazing movie Bombay Rose that's available on Netflix. Bombay Rose is a 2019 film. It's an animated film which is backed by two very important people, Gitanjali Rao for a very beautiful direction and Anand Mahindra ji for backing this movie as a producer. Har frame ek painting ki tarah hai is movie mein. और ये कैसे एनिमेट हुआ है ये पेंटिंग और हर फ्रेम उसी तरीके से मूव करती है. एंड आई वाज थिंकिंग थ्रू आउट द मूवी यार ये एनिमेशन हुआ कैसे होगा. द फिल्म इज सेट इन यू नो 1960s, 1970s, 1980s का समय है. फॉलो द स्टोरी ऑफ अ फ्लावर सेलर इन बॉम्बे एट दैट टाइम एंड शी फॉल्स इन लव. और वो टिपिकल ओल्ड एज लव स्टोरी, यू नो, गरीब घर का लड़का, गरीब घर की, यू नो, एक ओल्ड लड़का, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों को पसंद करते हैं, सोशल बैरियर्स हैं, कैसे ये लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, टिपिकल ओल्ड लव स्टोरीज. क्रिएटिविटी है, आपको ट्रांजिशंस में क्रिएटिविटी दिखेगा, आपको इमेजिनेशन दिखेगा, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अभी एक सीन में एक रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दुनिया दिखाई जाती है, विच इज़ वेरी कूल टू वॉच एंड कूल टू ऑब्जर्व. फोली वर्क कमाल का है. जो आप फोली वर्क एज इन जो साउंड होते हैं, कोई चल रहा है तो चलने का साउंड. तो रिमेंबर इट वॉज नॉट शॉट, इट वॉज मेड लाइक पेंटिंग्स. एंड हाउ वॉज इट मेड? इट वॉज मेड फ्रेम बाय फ्रेम, पेंटेड एनिमेशन इन कंप्यूटर एंड टुक 18 मंथ्स विद 60 आर्ट्स. सो मेहनत हुई है, आप हर फ्रेम पेंट हुआ है, हर फ्रेम को बनाया गया है, तो उसको अच्छे से एक स्टोरी का फ्लो मेंटेन करना, कुछ टाइम बाद आपको माइंड नहीं करता, आपको मज़ा आता रहेगा, अरे यार तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा लगता है, कलर ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, अच्छा लगता है. तो इस स्टोरी टेलिंग में आपका जो साउंड मिक्सिंग हुआ है, जो फोली यूज़ हुआ है, फोली मतलब कोई चल रहा है तो उसका आवाज़, समुद्र की लहरें आ रही हैं उसका आवाज़, वो सब बहुत शार्प और बहुत ही क्रिस्प था, जो बहुत मतलब नोटिसेबल. बैक जो वॉइस कैरेक्टर्स को वॉइस ओवर मिले हैं वो भी फेमस लोगों ने किया है. अनुराग कश्यप हैं एज वन कैरेक्टर, मागरन देशपांडे, इनकी आवाज़ आप कहीं भी पहचान सकते हैं. अमरदीप झा हैं एंड वीरेंद्र सक्सेना, ये चार लोग की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी. एक बैकग्राउंड स्कोर है जो थ्रू आउट द मूवी चलते रहता है, गाना है क्यों बेबात बहे वो नैनो में रहे. सो ये आपको ऑलमोस्ट लत लग जाएगी बाय द टाइम मूवी खत्म हो गया, नहीं भी लगे ये गाना सुनना है. ये थोड़ा सैड मेलनकॉनिक गाना है बट ये अच्छा है और काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इस मूवी को एंड इट डिजर्व्स टू विन दैट अवार्ड. बट यू नो इफ यू वांट टू वॉच अ स्वीट इनोसेंट लव स्टोरी विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड अ मीडियम टू प्रेजेंट वाया पेंटिंग्स, यू नो US वाले मतलब आपने ऑस्कर्स में देखा होगा ऐसे अलग टाइप के, बहुत मेहनत से मूवी बनी है, बहुत इज्जत मिलता है. सिमिलरली हम लोगों ने भी एक इंडियंस ने भी एक मूवी बनाई है, बहुत मेहनत की है, बहुत इज्जत मिलता है. आप ज़रूर देखिए बॉम्बे रोज, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे. आई विल ट्राई टू वॉच मूवीज ऑन OTTs एंड होपफुली दैट न्यू सीरीज विल कम आउट सून. नेम ऑफ द सीरीज इज गोइंग टू बी TBO. अब TBO क्या है वो जब सीरीज आएगी तब पता चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे. Bye-bye.